प्रशिक्षु साथ में उनके ठीक पीछे परेड ऑफ कमांडर श्रीमती अलका साहा, कंपनी कमांडर नगर सेना में है, 2IC है। आज के इस भव्य और आकर्षक परेड में 1999 से 2013 तक प्लाटून कमांडर रही है और उसके ठीक पीछे जो पहला प्लाटून आप देख रहे हैं सेकंड बटालियन सकरी का है। श्री राजेश पटेल सेकंड बटालियन सकरी से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कमांडो कोर्स कर चुके हैं राजेश पटेल। बस्तर के अति संवेदनशील क्षेत्र में माओवादी के साथ कई मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं और कई नक्सलियों को मारने में आपको सफलता भी मिली है। देशभक्ति जनसेवा इस बटालियन का मुख्य उद्देश्य रहा है। खून के अंतिम कतरे को देश के लिए आप बहाते हैं, नक्सलियों से डटकर मुकाबला करते हैं। मौत जहां जन्नत हो वो बात मेरे वतन में है और कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में। दूसरा प्लाटून जो आप देख रहे हैं राकेश पटेल उप निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिला पुलिस बल का प्लाटून नम्रताधारी लक्ष्यधारी विधि सलाहकार बुद्धिमत्तापूर्ण साहसी और ऊर्जावान यह इनका संदेश है। वर्दी में सजे धजे किसी भी पुलिस ऑफिसर को देखते हुए सीना गर्व से तन जाता है। देश की खातिर मर मिटने का जज्बा जिनकी चुनौती भरी जीवन शैली और अनुशासन से ओतप्रोत जीवन में कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून कर्तव्य पालन और उससे भी बढ़कर देश की अस्मिता की रक्षा का दृढ़ संकल्प रखते हैं। ठीक मंच के सामने इस समय परेड कमांडर और उप कमांडर। तीसरा प्लाट जिला पुलिस बल पुरोष 1947 की आज़ादी के साथ ही जिला होमगार्ड्स का जन्म हुआ था। जिला होमगार्ड जवानों की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को सहयोग प्रदान करती है। अगला प्लाटून जिला पुलिस बल महिला का है। पुरुषार्थ लिप्त रही सहयोगी के वाक्य को पूर्ण करता हुआ श्रीमती रीना प्रधान आरक्षक इसका नेतृत्व तो कर रही है। 2005 में इसकी महिला आरक्षक रही है और 2017 से आरक्षक के पद पर पदस्थ है। अगला प्लाटून जिला होमगार्ड महिला का है। नायक रंजना मानिकपुरी इसका नेतृत्व कर रही है और रंजना पिछले 5 साल से प्लाटून कमांडर है। जिला होमगार्ड महिला का यह प्लाटून के पश्चात सीनियर रेडर ऑफिसर ममता साहू के नेतृत्व में LCC गर्ल्स का यह प्लाटून मंच के